नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 99 और मैं चारू। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की। आपको बता दें कि कुछ समय से उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व की आलोचनाएं उसी पार्टी के खुद नेता कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 1-1.5 महीने से योगी आदित्यनाथ पर उन्हीं की पार्टी के लोग प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं। और अब एक नया मामला सामने आया है। योगी सरकार में ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के लिए ये कहा है कि पिछले 1-2 साल के अंदर अभी तक बीजेपी ने यूपी के लिए कुछ भी नहीं किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामला ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही जनता दूसरा विकल्प ढूंढ लेगी। ओम प्रकाश राजभर ने नरेंद्र मोदी का उदाहरण लेते हुए ये बोला है कि जिस तरीके से कांग्रेस से जनता ऊब गई थी और इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को एक विकल्प मानकर जिताया था, वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता भी अगर योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं रही तो जल्द ही कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लेगी। अपने ही मंत्रियों से इस तरीके की आलोचनाओं का सामना कर रहे योगी आदित्यनाथ के लिए ये समय है सोचने का, ये समय है जानने का कि आखिर ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व वो संभाल नहीं पा रहे हैं। बाकी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए दिल्ली 99।